सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग थिंग्स इजे। गाइज यहाँ पे फिर से इंडिया के अंदर 47 चाइनीज एप्लीकेशनों को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। ये कल की न्यूज़ है जो मैं आपको आज के इस वीडियो में सुना रहा हूँ। और अब पबजी के जो चाहने वाले जो प्लेयर्स हैं उन्हें भी यहाँ पे थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पबजी को भी यहाँ पे टारगेट पे ले रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा झटका लग सकता है जो पबजी के प्लेयर्स हैं, जो पबजी के चाहने वाले। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कैसे झटका लगेगा सारी इन्फॉर्मेशन, और कौन से 47 चाइनीज एप्लीकेशन जो है वो इंडिया के अंदर फिर से बैन किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर से आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आती है पहले एंड देख लो, एंड तक देख लो, और पसंद आएगी वीडियो तो फटाक से लाइक कर देना। मेरे को पता है कि इस वीडियो में काफी सारे डिसलाइक आने वाले हैं, क्योंकि पबजी के काफी सारे ऐसे चाहने वाले हैं जो कि डिसलाइक करेंगे, बट मेरा काम है जो न्यूज है वो आप तक पहुंचाना। अब आपका जो मन डिसलाइक लाइक जो भी कर सकते हो आपके ऊपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि जो फिर से 47 एप्लीकेशनों को हमारे इंडिया के अंदर से बैन किया गया है वो उन्हीं सभी चाइनीज एप्लीकेशनों का ही क्लोन वर्जन था जो कि हमारे इंडिया के अंदर से कुछ दिनों पहले ही बैन हो चुके थे। 59 चाइनीज एप्लीकेशन वो उन सभी एप्लीकेशनों का ही क्लोन वर्जन था, जैसे कि टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट और भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन थे जो कि हमारे इंडिया के अंदर से कुछ दिनों पहले ही बैन हो चुके थे, उनका ही क्लोन वर्जन हमारे इंडिया के अंदर चलाए जा रहे थे। तो इन सभी एप्लीकेशनों को हमारे इंडिया के अंदर से फिर से बैन किया गया है। हालांकि अभी तक कोई भी लिस्ट वगैरह नहीं आई है कि फिर से कौन कौन ऐसे एप्लीकेशन है जो कि इस 47 की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि फिर से हमारे इंडिया के अंदर 47 एप्लीकेशन जो है वो बैन किए गए हैं, जो कि बैन चाइनीज एप्लीकेशन के क्लोन वर्जन पे एंड लाइट वर्जन पे इंडिया के अंदर चलाए जा रहे थे, उन्हें ही यहाँ पे बैन किया गया। तो इनसे हम सभी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बैन चाइनीज एप्लीकेशन की ही लाइट वर्जन थी। तो हमने जब चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुए थे उनके साथ ही जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन के क्लोन वर्जन थे, लाइट वर्जन थे, उस वक्त ही हम सब यूज करना छोड़ दिए थे। तो इनसे हम सभी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और ना ही कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक जो बड़ी न्यूज आ रही कि फिर से हमारे गवर्नमेंट के पास एक और रेड अलर्ट लिस्ट है 275 एप्लीकेशन, और उस लिस्ट में पबजी भी शामिल है। तो क्या पबजी इंडिया के अंदर बैन हो सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो जो लिस्ट है 275 एप्लीकेशनों की, उस लिस्ट में जितनी भी एप्लीकेशन है उसे शक के दायरे पे अभी जांच किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो कंफर्म हो गई कि पबजी जो है वो बैन हो ही जाएगा, अभी शक के दायरे पे जांच किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार जांच पड़ताल हो चुकी है बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, अगर कुछ ऐसा इफेक्टेड मिल जाता है उस एप्लीकेशनों पे कि ये जो एप्लीकेशन ये हमारे इंडिया के डेटा के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो जी हाँ, उसे ऑब्वियसली बैन कर सकते हो, चाहे वो पबजी हो या फिर कोई अदर एप्लीकेशन हो। मैं पबजी को डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे इंडिया के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करती है वो एप्लीकेशन इंडिया के अंदर से बैन हो जानी चाहिए, चाहे वो पबजी हो या फिर कोई अदर एप्लीकेशन हो। तो अभी आपने YouTube पे कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि पबजी जो है फाइनली बैन होने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि पबजी जो है वो बैन लिस्ट में ऐड हो चुकी है। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो जो लिस्ट है 275 एप्लीकेशनों की, वो लिस्ट अभी शक के दायरे पे बनाई गई है और उस पर अभी जांच चलेगी, और उसमें देखा जाएगा कि कौन एप्लीकेशन जो है वो हमारे इंडिया के डेटा के साथ खिलवाड़ कर रही है, और उस एप्लीकेशनों को ही बैन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पबजी को ही बैन किया जाएगा। अगर पबजी हमारे डेटा के साथ खिलवाड़ कर रही है तो जी हाँ, पबजी को भी बैन किया जा सकता है। मैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ हूँ। तो अभी आप सभी को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई भी कंफर्म न्यूज़ जो है वो नहीं आई है। तो इसके रिगार्डिंग आप सभी को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो 47 एप्लीकेशन थे वो बैन हो चुके, ये यहाँ पर कंफर्म है। तो वेरी गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।